इलेवेंथ क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज बेटा चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता। इसमें हमने स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में पढ़ा, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता की परिभाषा पढ़ी हमने इसके अंतर्गत, फिर स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखा जा सकता है राज्य द्वारा, स्वतंत्रता नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जो है क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस बात का अध्ययन हमने इस पाठ के अंतर्गत किया था। अब है स्वतंत्रता और कानून। भाई स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जो है कानून भी बहुत जरूरी है। मानकर हमें स्वतंत्रता मिली है तो कुछ प्रतिबंधों के साथ उस स्वतंत्रता हमें मिली है। ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं कि भाई हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम तो कुछ भी कर लेंगे, किसी को मार देंगे, हमें तो स्वतंत्र है जी, हम कुछ भी करने के लिए किसी के भी घर में घुस जाएंगे, हम ये स्वतंत्र हैं हम तो। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ स्वतंत्रता अधिकार तो हमें दिए गए हैं लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है हमें अधिकार पे कुछ सीमाएं हमारे संविधान के द्वारा लगाई गई हैं, तो जिन पे जो है कानून नियंत्रण करता। तो इसी तरह से जो है हम स्वतंत्रता और कानून के संबंध को पढ़े। अब स्वतंत्रता और कानून में जो है दो विरोधी मत है, क्या क्या है? सबसे पहला है अराजकतावादी तथा व्यक्तिवादी मत। अब अराजकतावादी ये कहते हैं कि भाई राज्य को जो है एक बुराई मानते हैं, ये मानते हैं कि राज्य को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल कुछ अपनी इच्छा अनुसार जो है सबको कार्य करने की छूट होनी चाहिए। कहने का मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता व्यक्तियों की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, और राज्य को समाप्त इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि राज्य के कानून जो है स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति की इच्छा के अनुसार जो है कार्य करने में बाधक होते हैं। अब बात आ गई ना इच्छा वाली बात। अभी अराजकता और व्यक्तिवादी ये तो सिर्फ व्यक्ति को प्रधानता दे रहे हैं, इनको जो है राज्य से मतलब नहीं है। ये कहते हैं राज्य को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, राज्य नाम की कोई संस्था होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये कानून बना करके जो है नागरिकों की स्वतंत्रता पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। राज्य के जो कानून है वो व्यक्ति को क्या करते हैं, उसकी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करने से रोकते हैं। इसलिए जो है कानून क्या है, स्वतंत्रता में बाधक है। ठीक है बेटा, तो ये तो था अराजकतावादी। अराजकता मीन्स इसको जो है राज्य नाम की संस्था नहीं होनी चाहिए क्योंकि राज्य जो है क्या करता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पे कानूनों के माध्यम से जो है प्रतिबंध लगाता है और व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है लेकिन हमारी स्वतंत्रता की भी एक सीमा है। हमारी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। तो राज्य जो है हमें अधिकार देता है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ देता है। लेकिन ये अराजकतावादी कहते हैं होना ही नहीं चाहिए राज्य, व्यक्ति जो है जो मर्जी उसकी आए वो करे, राज्य को जो है कोई अधिकार नहीं, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए, कोई कानून नाम की चीज नहीं होनी चाहिए कि जो व्यक्ति को जो है रोके उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से। ठीक है बेटा, दूसरा व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी बोलते हैं कि कानून और स्वतंत्रता जो है आपस में क्या है, विरोधी, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ ही जो है नियंत्रण का अभाव है कि भाई हम स्वतंत्र हैं, हमारे पर किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं है, और कानूनों का अर्थ बंधन है, यानी कानून तो बंधन है, स्वतंत्रता का मतलब प्रतिबंध ही नहीं, कोई बंधन ही नहीं है। इसलिए जो है ये जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी। एक तो कह रहा है कि खुली छूट दे रहा है और ये क्या कर रहा है, कुछ सीमाएं लगा रहा है। तो व्यक्तिवादी ये कहते हैं कि भाई कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है सब। और ये कहते हैं, इनका मानना है जो इसके समर्थक है व्यक्तिवादी स्वतंत्रता और कानून के संबंध में जो व्यक्तिवादी मत है, ये कहते हैं कि कानून जो है स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक चीज होती है। तो व्यक्तिवादी कहते हैं कि कानून होते हुए स्वतंत्रता का होना संभव नहीं है, यदि स्वतंत्रता ही हो सकती है ये तो फिर बंधन ही हो सकते हैं। कानून का मतलब है बंधन, स्वतंत्रता का मतलब है कि छूट है, तो कहने का मतलब जब बंधन है तो वह स्वतंत्रता का एक, इसलिए जो है ये कानून को क्या मानते हैं, स्वतंत्रता का दुश्मन मानते हैं।
ठीक है बेटा। तो ये कहते हैं कि जिस राज्य में जितने अधिक कानून होंगे वहां जो है उतनी लोगों को कम स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और इस दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी है। ये मानते हैं कि जहां पे जो है कानून होंगे वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। ठीक, ये तो है बेटा अराजकता और व्यक्तिवादी मत। अराजकता का मतलब राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य नाम की संस्था को नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य जो है कानून बनाता है और कानूनों द्वारा क्या करता है, नागरिकों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है, जिससे व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की छूट नहीं मिल पाती है, व्यक्ति कर ही नहीं पाते अपनी इच्छा के अनुसार। ये अराजकतावादी कहते हैं। व्यक्तिवादी कहते हैं कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के दुश्मन है, जहां कानून होगा वहां स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। तो ये कहने का मतलब है ये जो है कानून को स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक मानते हैं, ये व्यक्तिवादी मत है। अब है आदर्शवादी मत। आदर्शवादी लोग ये कहते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता कानून के पालन में ही निहित है। जो मैंने आपके बात अभी बताई, जो हमारे यहाँ है ये कि भाई हम भी स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, मुझे भी है औरों को भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाऊं। कहने का मतलब है कि जहां कानून का अभाव है वहां स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। क्यों? अगर कानून नहीं होंगे तो शक्तिशाली व्यक्ति जो है कमजोर व्यक्ति पे क्या कर देगा, नियंत्रण कर लेगा, उसको कुछ समझेगा ही नहीं। तो कानून होगा तो तभी तो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा में तभी तो कर पाऊंगा, अपने अपने से जो शक्तिशाली व्यक्ति है मेरे से, तो मेरी स्वतंत्रता की रक्षा उससे कौन करेगा, वो तो मुझे दबा देगा, कुचल देगा। तो यही कहने का मतलब है कि कानून जो है जरूरी होने चाहिए। तो लास्की जी कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। कैसे? शक्तिशाली व्यक्ति भी स्वतंत्र है और एक कमजोर व्यक्ति भी स्वतंत्र है, तो शक्तिशाली व्यक्ति तो उसको कुछ भी नहीं समझेगा, तो उसकी स्वतंत्रता कहाँ से रह जाएगी, कौन सुनिश्चित करेगा, कानून करेगा। तो कानून का पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता। अगर सभी व्यक्ति जो है कानूनों का पालन कर रहे हैं तो वास्तव में जो है किसी भी स्वतंत्रता को, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। अब आता है बात, इसके कहते हैं, ये तर्क देते हैं जो स्वतंत्रता वाले हैं, ये बोलते हैं कि कानून स्वतंत्रता के रक्षक है। बिल्कुल रक्षक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई शक्तिशाली व्यक्ति से कमजोर व्यक्ति के हितों की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, कानून करेगा। कानून ही स्वतंत्रता की उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं स्वतंत्रता को। क्यों? क्योंकि अगर कानून नहीं होंगे तो समाज में जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, कोई भी जो है एक दूसरे का वो सब अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि फिर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और संघर्ष होने से जो है क्या होगा, शक्तिशाली व्यक्ति से जो है कमजोर व्यक्ति अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा। फिर है कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। कानून का उद्देश्य जो है स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है, अदरवाइज क्या अस्तित्व है कानून का। ठीक है, फिर है स्वतंत्रता पर कानून का नियंत्रण आवश्यक है। पहले ही बात हो चुकी है, नहीं कि स्वतंत्र है तो हम किसी के घर में भी घुस जाए, कुछ भी कर ले, किसी की जमीन कब्जा ले जी, हम तो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, नहीं, कानून का नियंत्रण भी जो है आवश्यक होता है। ठीक है बेटा, फिर कानून स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। स्वतंत्रता में वृद्धि कैसे करते हैं कानून, कि कानूनों का उद्देश्य स्वतंत्रता का उन्मूलन करना और उनको रोकना नहीं, बल्कि इसकी उद्देश्य जो है स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। क्यों? मैं पहले ही बोला ना कि जो व्यक्ति, फिर वाली बात आ जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है शक्ति का बंटवारा भी जो है असमान है। आर्थिक शक्ति हो चाहे राजनीतिक शक्ति हो, इसका बंटवारा जो है असंतुलित है। तो क्या होगा, जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी वो कम शक्ति वाले को कुछ समझेगा नहीं, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा भी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है कानून जरूरी है, और ये जो है स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं, सबको जो है प्राथमिकता मिलती है। ठीक है बेटा, तो ये है कानून और स्वतंत्रता का संबंध। ओके।